अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज कनेक्टेड टू इट। अब हम लोग क्या सीखते हैं इस बात से, हम ये सीख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है। मतलब क्या कि एक सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन ऐसा हो जिसके अंदर कंप्लीट थॉट मौजूद हो, पूरी बात मौजूद हो, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते होते हैं। ये हमारे पास होनी चाहिए बच्चों इसके अंदर लाजमी, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज कनेक्टेड टू इट। सो लेट्स पहले हम लोग इसको जो है वो कर लेते हैं क्लियर कि ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। बच्चों डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आपको बता रहा है कि ये सिमिलर होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, या फिर ये दूसरे लफ्जों में कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर लैक होता है, कमी होती है किस चीज़ की, वन एलिमेंट की, दैट वुड मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस, कि एक ऐसी चीज इसमें कम होती है जो इसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनने देती। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों डिपेंडेंट क्लॉज की, क्या है हमारे पास, बिकॉज वफा एंड नीलम अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। तो अगर इसको छोड़कर पीछे जो है वो बात पढ़ ली जाती तो ये पूरी होती, लेकिन यहाँ पर ये लगने से, बिकॉज लगने से, ये बात हमारी डिपेंडेंट होगी। मतलब जब तक हम लोग पीछे रीजन नहीं देंगे कि बिकॉज के आगे क्या हुआ हमारे पास जो है, या इसे आगे नहीं बताएंगे तो हमारा ये सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। इसी तरह वाइल महानूर वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ पे भी महानूर तक अगर हम लोग बात को इस तरह कर लें तो ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन वाइल लगने की वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज बन चुकी है। ओके, तो ये बात जो है वो जस्टिफाई हो रही है कि लैक करती है इसके अंदर वो रीजन जो कि बिकॉज वाइल आफ्टर इनको जो है वो जस्टिफाई करेगी। तो हमें पता चल गया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब हम डेफिनेशन पे वापस आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच्चों क्या होते हैं, जिनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है और दूसरी उसके अंदर जो है वो एक हो या दो हो या जितनी भी हो वो क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉजेज हो। बच्चों तो ये डेफिनेशन को हमने जस्टिफाई किया, एग्जाम्पल हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज की देख चुके हैं। वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि ऊपर जो हमने डिपेंडेंट क्लॉजेस को डिस्क्राइब किया हुआ है, ये जो है वो जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इनके साथ ना जोड़े ये जो है वो नहीं बता सकती आपको मतलब। और अगर आप ऐसा कर दो, मतलब क्या कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कम्बिनेशन कर लो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो इन दोनों को कम्बिनेशन करना है, जोड़ना है, जाहिर बात है बच्चों दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ तो मौजूद होनी चाहिए ना जो इनको जोड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या बताया जा रहा है कि ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे ये काम करेंगे जोड़ने का। जोड़ने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि ये दोनों के दरमियान में आएंगे, ये बिगिनिंग पे भी आ सकते हैं और मोस्टली जो है ये बिगिनिंग पे ही आएंगे हमारे पास। कब, किसके, डिपेंडेंट क्लॉज के, कि डिपेंडेंट क्लॉज तो हम लोगों ने ये चेक किया था ना, हमने कहा था इसको छोड़ दें अगर, तो ये जो बाकी बचता है ये तो इंडिपेंडेंट है ना, तो ये डिपेंडेंट क्यों बन रहा है, सिर्फ इसकी वजह से, इसका मतलब इनका स्टार्ट पे आना जरूरी है। तो सेंटेंस के अंदर इनके जरिए इनको जो है हम लोग स्टार्ट किया करेंगे, ये जो है इनको हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। ये फैन बॉयज़ को अगर हम याद कर लें तो इनको बाकियों को हमारे जहन में बिठाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वन या मोर डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करेगी। तो मैं ये टिप जो है आपसे बाद में शेयर करता हूँ, पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। बिकॉज ईशा एंसारा अराइव एट द बस स्टेशन बिफोर नून, बच्चों यहाँ तक एक बात होगी उसके बाद आपको कॉमन नजर आ रहा है। एक बात मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आपको बताया जा रहा है क्योंकि सारा और ईशा जो है वो दोपहर से पहले स्टेशन पर आ गई थी, बस स्टेशन पर। आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, बच्चों अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको कॉमा से पहले और कॉमा के बाद। हमने पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होनी चाहिए, तो पहले उसी को ढूंढ लेते हैं। आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, आपको साफ नजर आ रहा है कि मैं उनको जो है वो स्टेशन पर नहीं देखा, ये एक पूरी बात है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है क्योंकि इसमें क्यों क्या आ रहा है, क्योंकि ईशा और सारा जो है वो दोपहर से पहले बस स्टेशन पर आ चुकी थी। तो अब हमने ये देखा कि एक पूरी बात होगी और एक आधी बात होगी, मतलब अधूरी बात होगी। इन दोनों को जोड़ा, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, जो हमारे पास रिजल्ट आया बच्चों वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इसी तरह वाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन नवीद रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, तो अब बच्चों आप कॉमा से पहले और बाद में डिवाइड कर लीजिए। नवीद रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, एक बात होगी बच्चों, और इधर वाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, ये हमारे पास क्योंकि एक कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसी तरह आफ्टर दे लेफ्ट ऑन द बस मोहसिन एंड अरसलान रियलाइज दैट अली वॉज वेटिंग एट द रेल स्टेशन, तो यहाँ पर भी हमारे पास बच्चों ये वाली इंडिपेंडेंट है और जो कॉमा से पहले वो क्या है, डिपेंडेंट। अब हम लोग इस टिप को देख लेते हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, जब
डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, ये जैसे पहले आई है, ये भी पहले आई है और ये भी पहले आई है, अगर ये पहले आ जाए सेंटेंस में तो कॉमा यूज होगा इसको सेपरेट करने के लिए इंडिपेंडेंट से। तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं, यहाँ इसको कॉमा सेपरेट कर रहा है, इसको भी कॉमा सेपरेट कर रहा है और इस तरह ये भी कॉमा सेपरेट कर रहा है। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि जब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि डी क्लॉज जो है हमारी अगर स्टार्ट पे आ जाएगी तो हम लोगों ने बच्चों क्या करना है, उधर कॉमा लगा देना है जहां पर डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होगी, ठीक है। कन्वर्जली यानी इसके उलट भी हो सकता है, वो क्या होगा, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। आई डिड नॉट सी देम एट द रेल स्टेशन बिकॉज जहाज़ेब एंड अहमद अराइव एट द बस स्टेशन बिफोर नोन, सॉरी ये बस स्टेशन था। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे बिकॉज से पहले जो बात है ये वाली बात पूरी है, आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, और आगे बिकॉज से लेकर एंड तक हमारे पास जो है वो बात डिपेंडेंट हो चुकी है, क्योंकि क्योंकि आगे ना क्योंकि की रीजन ये वाली है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरह असजद रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, यहां तक एक हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, और आगे क्या, वाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन। अब वाइल की वजह से ये हमारी डिपेंडेंट बन चुकी है। हमने क्या पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में हमेशा इनमें से कोई एक आया करता है, तो आप देख रहे हैं कि हर एग्जांपल के अंदर पहले यही आ जाता है। अदनान एंड जवाद रियलाइज दैट द जो वॉज वेटिंग एट द ट्रेन स्टेशन आफ्टर द लेफ्ट ऑन द बस। अब आफ्टर के बाद वाली बच्चों ये क्या हो गई, डिपेंडेंट, और इससे पहले क्या हो गई, इंडिपेंडेंट। इससे साबित हुआ कि हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है अगर वो दूसरे नंबर पे आती है, मतलब बाद में आती है, तो तब हम लोगों को कॉमा नहीं यूज करना, शुड नॉट यूज, कि कॉमा नहीं यूज होगा। कॉमा कब यूज होगा बच्चों, जब डी पहले आएगा, हमारा डिपेंडेंट पहले आएगा। लेकिन अगर आई पहले आ गया, इंडिपेंडेंट पहले आ गया, तो हम लोगों ने कॉमा नहीं लगाना, बल्कि ये काम जो है वो कंजंक्शन खुद कर लेगा। तो अगर हम लोग बच्चों अपना टॉपिक जो है वो सम अप करें तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, उनके अंदर एक ही क्लॉज होती है और वो कंप्लीट होती है, मतलब एक क्लॉज जो कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब और एक कंप्लीट थॉट के साथ मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। ओके, कंपाउंड की हमने बात की कि दो बातें हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी, आई क्लॉज हमारे पास कितने टाइम्स होगी बच्चों, दो टाइम्स होगी, टू टाइम्स होगी, लेकिन उन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास फैन वॉइस में से एक कंजंक्शन यूज करेंगे और साथ में कॉमा भी हो जाए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे बख्तावर वेटेड फॉर द ट्रेन, एक बात होगी पूरी, द ट्रेन वॉज लेट, दो बातें होगी पूरी, दरमियान में इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और उसके साथ हमारे पास क्या मौजूद है, एक कॉमा मौजूद है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी, ठीक है। इसी तरह अगर लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर लें तो इनके अंदर एक इंडिपेंडेंट का होना लाजमी है, दूसरी क्लॉज इसके साथ जुड़ेंगी, एक हो या ज्यादा हो, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्या होती हैं, जो कंजंक्शन से ही स्टार्ट होती हैं और फिर कॉमा इनके अंदर हम कब यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते, वो सारा हमने रिवाइज किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं।